अदालत में, जज साहब पहुंच चुके हैं, सरकारी वकला आ चुके हैं, मीडिया के नुमाइंदगान तक अंदर जा चुके हैं, लेकिन हमारे वकला, खासकर सीनियर वकील अली जफर साहब और बाकी हम सब जितने भी यहां मौजूद थे, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर जब हम वकला ने यह फैसला किया कि अब इस पे जाके प्रेस टॉक करते हैं और बाकायदा तोहनी अदालत की कार्रवाई शुरू करवाते हैं, तो फिर आखिर में जाके चंद वकला को अंदर जाने दिया। इन हरकतों से ना आप इमरान खान साहब के हौसले तोड़ सकते हैं और ना हमारे। आपने कल मुझे रोका था, आज मैं फिर यहां मौजूद हूं और हम तब तक, और मेरे जैसे बहुत से कारकुन, हम तब तक आते रहेंगे जब तक कौम का, उम्मत का लीडर यहां से निकल नहीं जाता इज्जत के साथ। और ये भी मैं कह दूं, जेलों में वक्त गुजार के मैंने, मेरे साथियों ने, हमारे लीडर ने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो जेल जाने से पहले नहीं देखी थी। इंशाल्लाह जब हम हुकूमत में आएंगे, इन जेलों की भी हालत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। यहां जो मुलजिमान या मुजरिमान या सजा याफ्ता कैदी जो है, उनके साथ जो होता है, एक शख्स बहुत भी गुनहगार है, एक शख्स बहुत भी गुनहगार है, इंसान तो है, लेकिन आप आम पाकिस्तानी का क्या ख्याल करेंगे जब आपने अपने मुल्क के साबिक वजीर आजम, जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, उसको 5-6 दिन आपने काल कोठड़ी में बगैर बिजली के रखा, और जब वो बगैर बिजली के था, इसका मतलब वो किताब तक नहीं पढ़ सका, वो अंदर कुरान पाक की तिलावत तक नहीं कर सका। क्या साबित किया आपने? इमरान खान का कद तो और बड़ा हो गया, आपका कद छोटा हो गया। इस बड़े इंसान के सामने आप छोटे बोने लग रहे हैं, आप बड़े ओहदों पे बैठे छोटे छोटे बोने हैं, जिनके साथ आवाम वो सलूक करेगी कि दुनिया याद रखेगी। और अगर किसी को शक है, हम किसी की बेइज्जती के कायल नहीं हैं, हम इंसान की बतौर इंसान इज्जत के कायल हैं। जो साबिक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से बाहर गए हैं, अगर किसी ने कोई बदतमीजी की है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अवाम के एहतजाज, उनके गम और गुस्से को समझिए। अवाम नाराज है, कौम नाराज है, कौम आपसे मुत्तफिक नहीं है, आपकी फैसला साजी से मुत्तफिक नहीं है। जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं या चलवा रहे हैं, यही वो बातें हैं जब मैं करता हूं, फिर मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं करने दी जाती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं या चलवा रहे हैं, इससे सब कुछ चल सकता है, मुल्क नहीं चल सकता। कोई जी शऊर शख्स जिसके पास थोड़ा भी होश है, वो इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा, वो इस पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं लगा रहा, चलती फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जमाना गुजर गया स्टील मिल को फौत हुए हुए, जमाना गुजर गया पीआईए को एक जख्मी शेर बने हुए, एक जमाना उसका तमाशा करता था, दीदार करता था, लोग सीखते थे हमसे, एमिरेट्स हमसे सीखता था, कतर एयरलाइंस ये सारे हमसे सीखते थे, सिंगापुर कहते पैसिफिक वाले सारे हमारे ट्रेन लोग हैं, आज वो कहां हैं और हम कहां हैं। ये जो स्टील मिल है हमारी, कल भी मैंने इस पर बात की, ये हमारा ना सिर्फ दिफाई पैदावार का इंपॉर्टेंट एक हिस्सा था, बल्कि इससे आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, आपकी तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में आपकी स्टील मिल का एक हिस्सा था, उसको इमरान खान ने तबाह किया। पीआईए का भट्टा इमरान खान ने बिठाया। रेलवे आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट है, रेलवे किसी भी मुल्क के लिए एक लाइफ लाइन होती है। हिंदुस्तान में देखिए, हमारा अजली दुश्मन उसको कहें, हरीफ उसको कहें, लेकिन ये एक बात अजर में शम्स है। आपका दुश्मन भी जब तरक्की करता है तो आप सोचिए कि वो कैसे आगे जा रहा है। आज हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा उनकी ट्रांसपोर्ट, खासकर उनकी लॉजिस्टिक्स, सारी थ्रू रेलवे है। आज पाकिस्तान रेलवे की हालत देखें, एक मुर्दा घोड़े की तरह है। लोग घरों में साल हर साल से बैठ के मुफ्त की तनख्वाहें काट रहे हैं, लेकिन वो क्या करें,
आप ड्यूटी दें वो ड्यूटी करेंगे। तो कोई एसेट आपने छोड़ा आपने नहीं छोड़ा, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी। इस मुल्क का क्या बनेगा, इमरान खान का आप क्या कर लेंगे? जब तक अल्लाह ने लिखा है इंशाल्लाह वो रहेगा, और कोई दुनियावी ताकत उसको हमसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन आप जितना जितना इमरान खान साहब को कौम से दूर रख रहे हैं, उतना उतना पाकिस्तान तरक्की और इस्तेकाम से दूर होता जा रहा है। ये नुकसान आप अगर समझें, अगर थोड़ा अकल से काम लें, ये इमरान खान का या मेरा कम या मेरी जमात के लोगों का कम, ये इस मुल्क के अवाम और आपके बच्चों का भी है। आपके बच्चों ने इस मुल्क में नहीं रहना, क्या सबने पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जजीरों पर चले जाना है? एक तो यहां लोगों को ये जजीरे खरीदने की बड़ी बीमारी है। ओ यार जजीरा छोड़ो, पाकिस्तान का सोचो। इस पाकिस्तान में हमारे पुरखों की हड्डियां दफन है। कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि कल को जब आप और मैं ना रहें, हमारे बच्चे और आल औलाद अल्लाह करे गुलाम रसूल हो, वो आके वहां दो हाथ तो उठा सकें। आज अगर आप माल बटोर के, मुल्क को लूट के, तबाह बर्बाद करके और ऐसे फैसले करके कि आप इस मुल्क में किसी को चेहरा ना दिखा सकें, दिन की रोशनी में बाजार में ना जा सकें, आप इस मुल्क को छोड़ गए, याद रखिए इस मलंग की ये बात आपका तो नहीं पता, लेकिन आपके बच्चे कभी आपकी कब्रों के पास भी नहीं आएंगे। क्योंकि उस शख्स की कोई इज्जत नहीं करता, अपने बच्चे भी नहीं करते, जो अपने मुल्क की इज्जत नहीं करता, जो अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखता। हम अपने लीडर के साथ मजबूत खड़े हैं, उसकी मोहब्बत में कम, पाकिस्तान की मोहब्बत में ज्यादा। क्योंकि हमें लगता है हम जितने हैं, हमें लगता है और हम कम नहीं हैं। आपको कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, हमें लगता है और हम कम नहीं हैं, हम 25 करोड़ हैं। हम 25 करोड़ को ये लगता है कि हमारे लिए इमरान खान ठीक है। इस बीमारी का इलाज और कोई नहीं है, ये बीमारी इश्क है, पाकिस्तान से इश्क है, इसके अवाम से इश्क है, और उस इश्क का नाम है इमरान खान। अब इस इश्क को सीने से कैसे निकालोगे? क्या अडियाला जेल की काल कोटली मेरे हाथ में आपने हथकड़ियां डाल दी? एक लॉ ग्रेजुएट को, एक 2 times एमएनए को, उस दो दफा के एमएनए था, अब अल्लाह ने तीसरी बार बना दिया। आपने मुझे मेरे मर्दान में, जिसने मेरे सर पे इज्जत का ताज रखा था, आपने मुझ पे दहशतगर्दी का पर्चा, आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट, पता नहीं कौन कौन सा एक्ट लगाया, और मेरे मर्दान के अवाम ने क्या किया? वापस मेरे सर पे इज्जत का ताज रखा, और आखिरी बार 58,000 से जीता था, इस बार 1,00,000 से ज्यादा वोट दिया। उन्होंने कहा आप लगाओ इस पे दहशतगर्दी के पर्चे, आप कहो इसको मुल्क दुश्मन, हम इसको मुहब्ब वतन समझते हैं। और ये सिर्फ अली मोहम्मद की बात नहीं है, मेरा तो सिर्फ मर्दान से वोट है, इमरान खान का तो मेरे मर्दान की गली गली और पाकिस्तान की गली कूचे से वोट है। आप इमरान खान पे पर्चा काट रहे हैं, अवाम आप पे पर्चा काट रही है। जल्द इसका नतीजा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्द। इमरान खान साहब, मेरा दिल कहता है जिस तरह अलीमा आपा, जिस तरह बुशरा बेबी और हमारी बहुत सी लीडरशिप बाहर निकली है, खान साहब बाहर निकलेंगे। और आखिर में ये बात बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के साथ साथ हमारे बहुत से सीनियर पॉलिटिशंस, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उनकी बात बड़ी कम की जाती है। शाह महमूद कुरैशी 2 दफ़ा का वजीर खारजा, 1.5 साल से 1.5 साल से जेल में वो पड़ा हुआ है। लोग कहते थे कुरैशी इमरान खान को छोड़ जाएगा, कुरैशी ने साबित किया कि असली और नस्ली है। और उसी तरह बुजुर्ग हमारी माँ जैसी डॉक्टर यास्मीन राशिद, मरियम साहिबा से पूछना चाहूँगा, आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा खिदमत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौर की और पंजाब की है। सीनियर खातून और 2-3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को हरा चुकी है। जब भी मियाँ साहब आते हैं, डॉक्टर साहिबा उनको जेल से हरा देती हैं, जेल में पड़ी हुई हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब सीनियर वजीर पंजाब के, एक आजिज मलंग आदमी, वो जेल में पड़ा हुआ है। क्या गुनाह किया है मियाँ महमूद रशीद ने? क्या गुनाह किया है साबिक गवर्नर चीमा साहब ने? वफा का पैकर है, जब वो जा रहा था उसकी तस्वीरें देखें और अब उसकी तस्वीरें देखें, लेकिन उसके बदन को तो आपने जख्मी कर दिया, उसके बदन को तो आपने तकलीफ दे दी, उसको तो आपने जीते जी एक तरह से मार दिया, लेकिन उसकी रूह की तवानाई पूरे पाकिस्तान में बोलती है। और इसके साथ साथ सेनेटर और हमारे मेरे बहुत ही प्यारे एजाज चौधरी साहब, इस अडियाला जेल में मेरे साथ जेल के साथी थे, 500 दिनों से ज्यादा हो गए हैं,
सेनेटर जाद चौधरी साहब जेल में और हार्ट के मरीज हैं, और सिमाबिया ताहिर साहिबा और हमारे वकील इंतजार पंजोता साहब, ये सब क्या गुनाह किया है? दे आर प्रिजनर्स ऑफ कॉशस, उनको निकालो, होश के नाखून लो, पाकिस्तानियों पर रहम करो, पाकिस्तान के लीडर को बाहर आने दो ताकि वो सफर वहां से शुरू कर सके जहां से सिलसिला टूटा था। और याद रखना, इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में 3-4 दाने हैं और इसमें एक इमरान खान है। ये कौम इस आदमी को जाया नहीं होने देगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।